सब्सक्राइब करिए नागपुरी स्वाद चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट फूड वीडियोस देखने के लिए। ये क्या मैदे का रहता है, इसमें आटा भी मिक्स करते हो? आटा नहीं रहता भैया, सिर्फ मैदे का ही है। मैदा, दही, रवा। अच्छा, कितने भटूरे सेल हो जाते भैया डेली के? भैया 500-600, तो 10 किलो का मैदा बनाता हूँ भैया मैं। 10 किलो के मैदे का हो जाता समझे ना, 1 किलो का 10 प्लेट बनता है। कितने प्लेट बनते? 10 प्लेट। 1 किलो में 10 प्लेट। छोले भटूरे लगा रहे हैं? हाँ भैया लगा रहे भैया, लेके भी इतना। पेटीएम कर दे रहा। थोड़ा बुद्धि नहीं बचे क्या? तुम मुझे दे जाने आता ठीक है, हो गया। हाँ छोले वगैरह फिर अनलिमिटेड है क्या अपने पास? लगेंगे तो देते होंगे ना? हाँ भैया देते ना। कितने लोगों के लिए तो ये बना हुआ है? 1300 लोग। राइस कैसे अपने छोला राइस? 30 रुपये। करी डालना है दिन भर में? कितने छोले के कितने गंज बनते हैं ऐसे? एक ही रहता है घर में, रहता भी है घर में। तो गाइस ये रही इनके यहाँ की जो छोला भटूरा की प्लेट है, वो तो पास में आइए देखिए, अच्छे से फूले हुए छोले जो भटूरे हैं वो है। तो इसमें कोई स्टफिंग तो नहीं है, जस्ट नॉर्मल भटूरे होते हैं मैदे के वही है। ये है उनका जो छोला जो साथ में देते हैं, और ये नींबू प्याज जो आपने देखा हमने ही काटे हैं। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट में ये कैसे हैं। भटूरे है प्रॉपरली सॉफ्ट भटूरे है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सॉफ्ट है ये। और ये जो इनका छोला है, ये छोला भी बिल्कुल सावजी छोला है, खाने में तो काफ़ी अमी है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर आप अपने डाइट को कंट्रोल करते हो, तो ये भटूरे आपके लिए नहीं है, क्योंकि थोड़े से ऑयली है ये भटूरे, ऑयली ही रहते हैं। बट अगर आप मेरे जैसे फूडी हो, तो ये बिल्कुल ही आपके लिए बने हुए हैं। और अगर आप नागपुर में अच्छे कोई छोले भटूरे का ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये भैया का जो स्टॉल है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
इनका जो स्टॉल का लोकेशन है वो रविनगर स्क्वायर पे है, यहाँ पे अग्रसेन छात्र भवन है उसी के जस्ट कॉर्नर पे इनका स्टॉल है। तो एक बार ज़रूर आइए आप। और इसकी जो प्राइस है ये दो भटूरे के साथ मात्र 40 रुपीज़ की है। एक बार अगर आप आओगे और ये दो भटूरे खाओगे तो काफ़ी फुल हो जाएगा आपका स्टमक, तो इसके बाद आपको तो भूख लगनी नहीं है। तो एक बार ज़रूर आइए, इनके आगे भटूरे ट्राई करिए और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको टेस्ट में कैसे लगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।